सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं को अयोध्या की याद सताने लगी है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हमेशा से यूपी में चुनावी मुद्दा रहा है, इस बार तो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी कसौटी पर इस बार भी अयोध्या कसी जाने वाली है, लेकिन इस बार मंदिर निर्माण के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही, बल्कि राम राज्य का वायदा जनता से किया जा रहा है। नेता श्री राम के दर्शन को आतुर हैं, इसलिए लगातार नेताओं का तांता अयोध्या में लगा हुआ है। राम के अयोध्या से नेताओं का तांता बढ़ता जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन के एक साल पूरे होने पर वो अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने भव्य राम मंदिर के साथ नई अयोध्या बनाने का वायदा भी जनता से कर दिया, इसलिए विकास कार्यों पर उनकी पैनी नजर है। कभी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह विश्वविद्यालय बनाने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए राम आराधना और हनुमान चालीसा पढ़ रही है। तिरंगा यात्रा से पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए और कहा कि राम राज्य से बेहतर कुछ नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने चुनावी मिशन की शुरुआत अयोध्या से ही की है। बीएसपी ने अपना पहला ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में आयोजित किया और मंच पर जय श्री राम के नारे भी लगे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण की नींव भी पूरी नहीं कर सकी। अब बीएसपी सरकार बनेगी तो भव्य राम मंदिर का कार्य पूरा होगा। यूपी चुनाव में डेब्यू कर रही एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने कहा, इस बार यूपी में मुसलमान जिताएगा नहीं बल्कि जीतेगा। अखिलेश और मायावती को उन्होंने केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनाने का जिम्मेदार भी ठहराया। एसपी नेता अखिलेश यादव भी दिसंबर 2020 में अयोध्या पहुंचे थे। भव्य मंदिर निर्माण पर खुशी जताते हुए उन्होंने पत्नी और बच्चों के साथ रामलला का दर्शन करने दोबारा आने की बात भी कही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अब तक अयोध्या से दूरी बनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2017 चुनाव से पहले अयोध्या तो गए, लेकिन रामलला से दूरी बनी रही। वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर वापस लौट आए थे। तो राम जी किस तरीके से बेड़ा पार करेंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज का, इसी को लेकर के आज है हमारी बड़ी बहस, जिसके लिए मेरे साथ कुछ मेहमानों की जो पैनल है वो जुड़ चुका है। आनंद दुबे साहब बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर MH खान प्रवक्ता BSP और मेरे साथ स्टूडियो से अकील खान साहब नेता आम आदमी पार्टी से, स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के नेता अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला के दर्शन करने के साथ में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा से शुरुआत की, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर न सिर्फ राम का नारा लगाया बल्कि सीधे तौर पर राम के किस तरीके से गुण गाए जाते हैं और किस तरीके से राम जी बेड़ा पार करते हैं, दिल्ली में किस तरीके से राम राज्य चल रहा है, इस तरह की खूबियों को गिनाते हुए दिखाई दिए और मिशन यूपी की शुरुआत की। शुरुआत में सबसे पहले सवाल आम आदमी पार्टी से ही, अकील खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, पहले उन्हीं का मैं रुख कर लेती हूँ। खान साहब, पहले तो आम आदमी पार्टी राम मंदिर ना बने, यूनिवर्सिटी बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, इस तरह की बातें करती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी यही समझ में आया कि अगर यूपी को साधना है तो राम जी का नाम तो लेना पड़ेगा, और शुरुआत के साथ ही अयोध्या पहुंच गई उप मुख्यमंत्री और राम जी का नारा भी लगा दिया, राम राज्य किस तरीके से दिल्ली में है ये भी गिना दिया। प्रीति जी, ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, हमारी पार्टी अरविंद जी और हमारे जितने भी नेता हैं, भारद्वाज जी तो हनुमान भक्त रहे हैं बहुत, और पहले भी हनुमान मंदिर में सब लोग जाते रहे हैं। हम जब जीते थे पिछली बार तो हनुमान मंदिर में सबसे पहले पहुंचे थे, तो राम भक्त हनुमान के सब लोग जो उनकी प्रतिष्ठा और जो उनकी वैल्यू है हमारे समाज में, हमारे भारत के समाज में, तो उसको तो कोई बोल नहीं सकता कि मतलब इसमें कोई नई बात है। हाँ, अभी जो है बीजेपी को काउंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जिस तरह से इस राम जी के, श्री राम जी के जो नाम को जिस तरह से इस्तेमाल करके और जिस तरह से धर्मांध लोग और जिस तरह से निजी स्वार्थ के लिए और भ्रष्टाचारी लोग जिस तरह से
श्रीराम का जो नाम लेकर के अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिप्लाई है और बहुत बड़ा एक संदेश है अरविंद जी की तरफ से कि श्रीराम जो मर्यादा पुरुषोत्तम एक मिनट मैं खत्म कर लूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जिन्होंने अपने देश देश के अंदर मर्यादा का एक बहुत बड़ा मतलब का एक बहुत बड़ा अपना एक प्रतिष्ठा कायम की मर्यादा की, उनके नाम पर हमने अपनी पूरी पार्टी को पीछे किया है, उनके पीछे उनके जितने भी सिद्धांत रहे हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अभी एक हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण एक पिक्चर आई थी, उसका एक बहुत बड़ा संदेश आज की स्थिति के लिए बहुत अनुकूल है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। वो एक गाना है के देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो जी, राम में हंसकर सब सुख त्यागे जी, तुम सब दुख से डर के भागे, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई और तुमने फर्ज से आंख चुराई, भ्रष्टाचारियों तुम्हें राम का नाम लेने का कोई हक नहीं है। इसकी ओर इशारा करें, खुल करके बताइए ना, राम का नाम कौन बदनाम कर रहा है, सब तो राम का नाम ले ही रहे हैं, भ्रष्टाचारी नाम दिख रहा है तो राम का नाम ले रहे हैं, कौन है ये भ्रष्टाचारी, किसके ऊपर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी में, यही तो जानना चाहती हूं। सुन लीजिए आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये हमारा अपना दिल का हमारे दिल के अंदर जो चीज है वो निकल के आई है सामने और वो पूरी तरह से निकल के आई है। अयोध्या में मनीष जी गए और उनका किस तरीके स्वागत हुआ और जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे उनकी उनकी मीटिंग में, वो ये शो करता है कि राम भक्त जो है वो ईमानदार के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। और जो हिंदुइज्म है, एक मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, हमारे देश का इतिहास रहा है, हिंदुइज्म इज ए वेरी इंटेलिजेंट रिलीजन और इसके अंदर सहिष्णुता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और इसके अंदर जो हम इतने सालों से हमारे देश के अंदर इतने लोग आए और गए जिन्होंने हमारे देश के अंदर राज किया है, लेकिन विदेशियों के आने के बावजूद हमारा जो भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको हमने तितर बितर नहीं होने दिया है, चाहे ये बीजेपी के या और कोई भी जो है धर्मांध लोग भ्रष्ट भक्त लोग ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये कुछ दिनों की एक बात होती है कि मतलब यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये वक्त आ गया है और गुजरात जहां पर कि आप आए हैं वहां पर भी आपकी खटिया खड़ी होने वाली है, मंडा ढार होने वाला है। और इसके अलावा आपने इतने समय में बीजेपी को लेकर के इशारों में कह दिया, आनंद दुबे जी का मैं रुक कर लेती हूँ, क्योंकि अब तक अगर अयोध्या में मंदिर निर्माण की बात होती रही थी तो सबसे ज्यादा पहले भी चुनावी घोषणा पत्र से लेकर के बाकी तमाम प्रयासों में बीजेपी दिखाई देती रही है। और मुझे लगता है कि आपने इशारा भी बीजेपी की तरफ ही किया, अपने बातों में जिक्र भी कर दिया। आनंद दुबे साहब, जो एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगा रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ में भी भ्रष्टाचार जोड़ दिया बीजेपी के साथ में, ये दावा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन बावजूद इसके हकीकत यही है कि चाहे भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए या फिर दूसरे विषयों की बात कर ली जाए, यूपी को साधना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को यह समझ में आता है कि राम का नाम तो अब लेना होगा, जिससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज बचती दिखाई देती थी क्योंकि अपना सेक्युलर चेहरा उनको ज्यादा बेहतर दिखता था। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस बात कि कम से कम जो भटके हुए लोग थे, जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे जी, कम से कम वो लोग राम की शरण में जाने लगे हैं। आई ऑब्जेक्ट, आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है, भगवान राम का ठेका आपके पास नहीं है, भगवान राम सबके हैं। अरे भाई सुनिए, आप इतने सबके नहीं है, गलत एलिगेशन मत लगाइए आप। अगर ये आपकी जो है बपोती नहीं है हमारे देश के अंदर, हेलो आम आदमी पार्टी, भगवान राम पूरे देश के हैं, सुनिए, और कई हजारों सालों से हैं, आज से नहीं है। बात सुनिए, आप ठेका मत कीजिए, सुनने का तरीका सीखिए। अच्छा चलिए खान साहब, पहले सुन लेते हैं, सुन लेते हैं आनंद जी को, सुन लेते हैं आनंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर, आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। खान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हम आनंद जी की बात को सुन लें। आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने कुछ कहा क्या? बिल्कुल कहा। मैंने कुछ कहा क्या? बिल्कुल कहा। आपके बीच में मैं बोला? देखिए मैंने आक्षेप नहीं लगाए, आक्षेप नहीं लगाए, गलत बोला?
आपके बीच में मैं मेरा एनसीस की है। आपका जब आप बात कीजिए ना, भगवान राम की बात, आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है। ये राम के ऊपर किसी एक की कॉपीराइट नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इतनी सद्बुद्धि भगवान राम ने इन लोगों को दी कि ये लोग अयोध्या जाने लगे और भगवान राम को मानने लगे। वरना इनकी पार्टी तो कहती थी कि अयोध्या में यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए, राम मंदिर की क्या जरूरत है, उससे क्या हो जाने वाला है। तो ऐसे लोग, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आप समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है और मैं मानता हूं कि भगवान राम ने कम से कम सबको सद्बुद्धि प्रदान की, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे वो कम से कम अयोध्या जा रहे हैं। जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का तो चेहरा ये है कि ये कहते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं। अरे दिल्ली में आप मौलवियों की और मुअज्जिनों की तनख्वाह में 80% की वृद्धि कर देते हैं, 10 से बढ़ा के 18,000 करते हैं, 9 से बढ़ा के 16,000 करते हैं, वहां ग्रंथियों और पुजारियों को क्यों नहीं तनख्वाह दे देते हैं? और ये कहते हैं हम बड़े शरीफ हैं, मौजपुर का दंगा जिसमें इनके पार्षद ताहिर हुसैन का नाम बीजेपी छत पर जो है, बीजेपी के लोगों ने मौजपुर का दिल्ली का दंगा करवाया है, ये रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, एमनेस्टी की रिपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये बीजेपी के लोगों ने मेरठ से लेकर के आए थे, मेरठ से लेकर आप लोगों ने आए और दंगा कराया दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के दंगों के दोषी है बीजेपी के। और ये आपने गृह मंत्री, गृह मंत्री अखिल खान साहब दिल्ली दंगों के लिए अलग से चर्चा कर लेंगे, फिलहाल हम बात अयोध्या की कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम दंगों से अलग हटकर के विषय है। हमारा सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी, अब से कुछ समय पहले तक भी, राम का नाम लेने से खुद को बचाती रही थी क्योंकि उनको लगता था कि उनका सेक्युलर फेस जो है वो इससे प्रभावित हो जाएगा, आज चुनाव सर पर है तो अयोध्या नगरी भी पहुंच रहे हैं, राम के दरबार में नतमस्तक भी हो रहे हैं, इसको लेकर के हमारी चर्चा हो रही है क्योंकि सबको यही लगता है कि बेड़ा अगर यूपी में कोई पार लगा सकते हैं तो वो भगवान श्री राम है। आनंद दुबे जी अपनी बात कर रहे थे, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि आनंद जी ने भी कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को आज भगवान राम याद आ गए हैं। अंशु जी इत्तेफाक रखते हैं क्या? जी प्रीति जी सॉरी, भगवान राम सबको हमेशा याद आते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है भारत के लोकतंत्र में कि जो भगवान राम के वंशज हैं यानी देश के लोग नागरिक, उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं दें, उनको रोजगार दें और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। अगर इन सब आंकड़ों पे आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में जो संबोधन किया उसमें एक भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों का विकास कर रहे हैं, किस तरीके से विकास कर रहे हैं, 3 काले कानून आपने देश के किसानों पर थोप दिए, 8 महीने से देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर बैठा है सर, आप अलीगढ़ जाते हैं, बंगाल जाते हैं, गुजरात जाते हैं, उन तमाम देश के विकास के मुद्दों के लिए आज डिबेट नहीं है। देखिए अंशु जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा डेवलपमेंट और विकास की बात करती है, आज मेरा सवाल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को आज अपना हिंदू चेहरा क्यों आगे करना पड़ रहा है? चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को मंदिर क्यों याद आने लगते हैं? हालांकि अयोध्या नहीं पहुंचे राहुल गांधी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो वहां जाकर के राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, और किस तरीके से माता के मंदिर में, माता के दरबार में जाकर के वो नतमस्तक हो रहे हैं, उनके दोनों दौरों में दोनों ही, चाहे खील भवानी के मंदिर में गए हो या फिर माता वैष्णो देवी के दरबार में गए हो, हिंदू चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है ना पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए आप भी विपक्ष, एक जो मीडिया है वो स्वाभाविक विपक्ष होता है, इसमें कोई दो राय नहीं जी, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। और जो आप सवाल है ठीक है, आपका अपना सवाल है, डिबेट है, मंदिर जाना चाहिए, सब जाते भी हैं, लेकिन आप मुझे बताइए भगवान राम की जो एक रघुकुल रीति थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अपना वचन निभाया 2017 में जो वादे किए थे? तो सवाल ये है कि आप सिर्फ राम राम मत करिए, राम के आदर्शों की भी बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ना तो भगवान राम की ठेकेदार है ना हिंदू धर्म की ठेकेदार है। तो सर वो कमियां बताइए ना, अयोध्या में ही जो विकास के दावे किए जा रहे हैं क्या वो विकास नहीं हो रहे हैं? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप जो सवाल हो कर लीजिए, ठीक है, मुझे 1 मिनट देना हो, मैं सिर्फ 60 सेकंड बोलूंगा। तो सवाल ये है कि जो भगवान राम के आदर्शों को नहीं मानते, भगवान राम की बात का अनुसरण नहीं करते, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते यानी जनता जनार्दन का, नौजवानों पर लाठी चलवाते हैं, किसानों पर अत्याचार करते हैं,
गन्ना किसानों की तरफ देखते नहीं, वो बेचारे परेशान है, इतनी महंगाई चरम पर है। ऐसे लोगों से आप भगवान राम के बारे में क्या उम्मीद करेंगे जो चंदे में भी दलाली खा लेते हैं। अरे ये साहब अंग्रेजों के जमाने से पैसा खा लेते चले आए हैं, भगवान राम के मंदिर में भी इन्होंने दलाली करने से नहीं छोड़ी। आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई किया कि उस भाजपा नेता पर जिसने 5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी। देखिए धर्म का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमारे धर्म गुरु हैं। लेकिन बीजेपी जो ये गाना गाती है तो ये बता दे कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने किसानों की मदद की। साहब महिलाओं ने सर मुड़वाए उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके पिछले पापों का फल है जी। तो ये 5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचते हैं, भगवान राम के नाम पर दलाली खाते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसे लोगों को तो आप समझ सकते हैं। चलिए तो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि राम का नाम तो लेते हैं लेकिन राम के आदर्शों को बीजेपी पार्टी भुला देती है, और भ्रष्टाचार का एलिगेशन आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। डॉक्टर एम एच खान साहब बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक कर लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन मैं उनसे प्रश्न नहीं ले पा रही थी। खान साहब, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी को बात करनी चाहिए, जिसको लेकर के लगातार कन्नी काट लेते हैं, विकास को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन न इस प्रश्न का जवाब किसी ने भी नहीं दिया कि चुनाव के दरमियान ही श्री राम क्यों याद आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए मैं बहुत साफ बात करना चाहता हूँ कि भगवान राम श्री राम की बात जो आज हर पार्टी जो आप कह रही कर रही है, ये बात कतई ना आती अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता। ये राम जन्म भूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी बिना वजह अपने सर पर सेहरा बांधने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट मंदिर बनाएगी जी। तो भगवान राम वहां अगर है तो जिसको जाना है आस्था है तो सबकी आस्था है, सभी जा रहे आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, भव्य मंदिर बनवा रही है, तो यह गलत हो गया। और देखिए अभी अभी तक जो है जब ट्रस्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बनाई तो ट्रस्ट में किसके कितने आदमी रखे गए, सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आदमी रख दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। फिर मायावती भी तो अयोध्या से ही अपनी शुरुआत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन हुआ वो भी अयोध्या से ही क्यों हुआ? तो अगर बीजेपी हमेशा से अयोध्या श्री राम का नाम लेती रही है, क्रेडिट सबको देती रही है, तो अयोध्या तो आज सबको याद आ रहा है ना? हमारा तो हमारी पार्टी का सुनिए, हमारी पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके साथ सबको साथ लेके चल रहा है जी। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम वहां से शुरू कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई, भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि गन्ना के किसानों का दाम क्यों बढ़ाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, डीजल का दाम कितना बढ़ गया। भगवान राम का नाम लेना तो सब लोग लेते हैं, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन जो शासन कर रहा है उससे तो सवाल किया जाएगा ना। इस वर्डिक्ट से पहले तक क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी श्री राम जन्मभूमि या फिर राम मंदिर विवाद को लेकर के खुल करके बोलती थी, सामने आती थी? इससे पहले मायावती को क्यों नहीं याद आया कि अयोध्या में इस तरह का कोई सम्मेलन कर लिया जाए? अयोध्या से तो सब किनारा करके रखते थे, बच करके रहते थे, नाम नहीं लेते थे, यही तो सवाल है ना। सवाल ये कैसे आप कर रही हैं जब राम जन्मभूमि का मसला कोर्ट में था तो कौन बोल रहा था? कोई नहीं बोल रहा था, सब लोग चुपचाप थे। बीजेपी की तो मैनिफेस्टो में था, जब फैसला आ गया तब ने शुरू किया इन लोगों ने, बीजेपी के घोषणा पत्र में था। मस्जिद 5 एकड़ मस्जिद को भी दिया गया। खान साहब, बीजेपी के घोषणा पत्र में था राम मंदिर निर्माण का काम, जो वो दावा करते हैं कि हमने कहा था और हमने कर दिखाया, तो नहीं कराया ना पार्लियामेंट में। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र उसमें था लेकिन पार्लियामेंट ने बिल नहीं लाए जी। ये बिल ला सकते थे, जिस तरह से 3 तलाक का बिल ले आए, जिस तरह से किसानों का 3 कानून काला कानून लेके आए, उसी तरह से राम मंदिर बनाने का बिल ला सकते थे, इनके पास बहुमत थी, लेकिन ये नहीं लाए, इनकी इच्छा नहीं थी लाने की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद
नहीं तो बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती थी, आरोप आप लगा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आनंद दुबे जी का रुख कर रही हूँ, फिर अकील खान साहब का वापस रुख करूंगी। आनंद जी, आपने सबकी बातें सुन ली, हर पॉलिटिकल पार्टी जो चुनावों से पहले तक तो कम से कम श्रीराम का नाम लेने से बच रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है जिसका अगर फैसला भी आएगा तो न मालूम किस तरीके का बवाल उठ खड़ा होगा। बहरहाल अब हर पॉलिटिकल पार्टी को श्रीराम याद भी आते हैं, उनके दरबार में नतमस्तक भी होते हैं, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, तो वो बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप या फिर विकास न करने के आरोप लगा करके एक दूसरा सवाल खड़ा कर देते हैं, उस सवाल से कन्नी काट लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता देख रहे हैं आप? देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी जो वो कह रहे थे उसका जवाब कांग्रेस का उसका जवाब दूंगा जी। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि भगवान राम जो है वो हमारे लिए हमेशा से मान्य है, हमेशा से हम उनको मानते हैं जी। तो इनकी पार्टी ने क्यों नारा लगाया कि मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, यानी जय श्री राम को इन्होंने हवा में उड़ा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, 2016 में लखनऊ में मायावती जी ने बयान दिया था कि अयोध्या काशी मथुरा ये हमारे तीर्थस्थल नहीं है, ये बहुजन समाज के तीर्थस्थल नहीं है, बहुजन समाज के लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है कि चलिए ठीक है आप मंदिर में ही बना सकते थे, अयोध्या जाने से आपको किसने रोका था? भगवान रामलला के दर्शन करने से आपको किसने रोका था? आप क्यों नहीं जा रहे थे जब आपकी सरकार थी? ठीक है आप मंदिर में ही बना सकते थे, लेकिन आप अयोध्या में बाकी विकास तो कर सकते थे, अयोध्या के जो सांस्कृतिक महत्व की जो चीजें हैं उसका तो विकास कर सकते थे। चलिए, इन विकास का क्रेडिट आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। सर, एक सवाल और ऐड कर रही हूं, उसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनको लेकर के भी सवाल खड़े कर रही हैं, और खास करके आज आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली से वहां पर गए और जो तिरंगा यात्रा निकाली वहां पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई, यदरिंग देखी गई, और ये लोग श्रेय दे रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हम उजागर कर रहे हैं ये इसका नतीजा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता को ये समझ में आ चुका है कि अब तक उन्हें गुमराह किया जा रहा था। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, नहीं, इनका नारा है परिजन हिताय परिजन सुखाय, सिर्फ परिवार का ही हित और परिवार ही सुखी रहे, पहली चीज। अब मैं कांग्रेस पे आता हूँ, इन्होंने कहा कि भगवान राम के बारे में ये बता दें कि कांग्रेस परिवार में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने कितना चंदा अदरा राम मंदिर बन रहा है उसमें दिया है। दूसरी चीज, राम के अस्तित्व को नकारने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किसने दिया? कपिल सिब्बल ने खुद कहा कि राम मंदिर को लोकसभा चुनाव तक टाल देना चाहिए। इसके अलावा भैया परिजन सुखाए परिजन सुखाए किस पे गांधी प्रियंका की सरकार में कभी कोई परिवार का आनंद जी अंशु जी भी कुछ पूछ रहे हैं। आनंद जी, अंशु जी, आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए, अंशु अवस्थी के सवालों का जवाब दे दीजिए। और चुनाव खत्म होते ही जाली राम के नाम पर मिले चंदे से जनता चोरी करते हैं, ऐसे जनता चुनाव को शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं अभय जी, परिवार बीजेपी वाले, मैं ये कहना चाहूंगा परिवारवाद की बात करती है, 2% लोगों के लिए आप देश में काम कर रहे हैं, सारे एलाइड अडानी अंबानी और जितने भी ये लोग हैं इनके लिए ही आप कर रहे हैं, और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का आपने भंडार खड़ा कर दिया है, पूरे देश को डुबो दिया है भ्रष्टाचार में, इन लोगों के लिए, और जो आपने काम किए हैं अभी तक वो पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए किए, सामाजिक ताने बाने को बर्बाद सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार करने वाली अगर कोई पार्टी देश के अंदर है सबसे बड़ी वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं दोनों सम्मानजनक मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चर्चा को चर्चा की तरह रखें, तो शायद दर्शकों को समझ आ पाएगा कि कौन सी पक्ष अपनी किस तरह की बातों को आगे बढ़ा रहा है। आनंद जी, आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो बातें कही थी, अंशु अवस्थी जी उसको काउंटर करते हुए कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उसको सुन ले। अवस्थी जी देखिए, आपने भी ये बात कही और भारतीय जनता पार्टी ने कही कि मंदिर पे क्यों नहीं गए, अयोध्या क्यों नहीं गए जी। ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के इससे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अभी वो हमारे बीच में नहीं है, कितनी बार अयोध्या गए? जरा बीजेपी के नेता चैनल पर बैठकर झूठ बोल दें एक बार, मुझे बता दें कितनी बार गए, ये दूसरों पर आरोप बहुत लगाते हैं, कितनी बार गए जरा ये बता दें इस बात को। दूसरा, ये जब हम इससे सवाल करते हैं कि आप चंदा क्यों चुरा रहे हो, चंदे से पैसा क्यों खा रहे हो, भगवान राम के नाम पर मिला है, तब ये पूछते हैं कि आपने चंदा दिया कि नहीं दिया। देश के लोगों ने जो चंदा कितनी आस्था के साथ दिया,
उस पैसे को आप लूट मचा रहे हो, और जब आपसे उस चोरी आपकी खुल जा रही तो आप ये सवाल कर रहे हो, यानी कि जो प्रदेश चलिए इसी को लेकर के जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस चंदे को लेकर के सवाल खड़ा किया था और जमीन घोटाले को लेकर के उजागर किया था, आम आदमी पार्टी। आनंद जी से पहले मैं रिएक्शन ले लूं। आनंद जी, आज तिरंगा यात्रा जो है वो अयोध्या से शुरू हुई, 4 किलोमीटर के आसपास की लंबी यात्रा थी जिसमें तकरीबन गैदरिंग अच्छी खासी देखी गई। आप मान रहे हैं कि अयोध्या में इस मुद्दे को उठाने के बाद आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो है वो जनता देख रही है, समझ रही है और विचार कर रही है कि क्या ये भी एक विकल्प हो सकता है? नहीं, तिरंगा यात्रा निकाले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, राष्ट्रवाद पे सवाल खड़ा किया था, सेना पर पुलवामा में आपने क्या किया, इंक्वायरी करवाई आपने पुलवामा में, हमारे देश के जवानों को आपने किल किया है, ये बीजेपी वालों ने देश के जवानों की हत्या की पुलवामा, पुलवामा में क्या किया बताइए आपने? एक स्ट्राइक क्यों किया, हमने कहा था 10 स्ट्राइक कीजिए, 10 स्ट्राइक क्यों नहीं किया आपने? एक स्ट्राइक करके चुपचाप बैठ गए और फिर पुलवामा में हमारे अपने ही देश के लोगों की हत्याएं करवाई आपने, कहां इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए? जवाब दीजिए देश को आप। जब भी सियासत की बात होती है तो धर्म अचानक से बीच में आ जाता है और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद का सेक्युलर फेस आगे प्रोजेक्ट करती हैं उनकी भी कोशिश होती है कि उस राज्य उस रीजन के लिहाज से जो धर्म जिस समुदाय के ज्यादा लोग दिखाई देते हैं उनको साधने का प्रयास किया जाए। और अब तो चुनाव सर पर हैं तो उत्तर प्रदेश में सबको राम की याद क्यों ना आए, भले ही चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों जो कुछ समय पहले तक राम का नाम लेने से भी खुद को बचाती थीं। फिलहाल चुनाव सर पर हैं तो राम के दरबार में आगे भी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे न सिर्फ पहुंचेंगे, नतमस्तक होंगे और कोशिश करेंगे कि हाजिरी लगाएं, क्योंकि राम ही बेड़ा पार करेंगे, इसको अब मानने से कोई इनकार नहीं करता है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे साहब, अंशु अवस्थी जी, डॉक्टर एम एश खान साहब, हालांकि मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाई, माफी चाहूंगी सर, और अकील खान साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने इनपुट्स देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।